हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन आईआरसीटीसी यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन रेलवे में यूज होने वाले दो तरह के कोचेस की। यह है आईसीएफ एंड एलएचबी कोचेस। इनमें क्या अंतर होता है यह भी जानेंगे। इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें डिटेल्स में समझाया है हमने, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट जेन आईआरसीटीसी यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेलगाड़ी में नीले रंग वाले कोच को आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और लाल रंग वाले कोच को एलएचबी लिंक हॉफमैन बुश कहते हैं। आइए अब बात करते हैं आईसीएफ कोच के बारे में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1952 में की गई थी। ये लोहे से बनाई जाती है, इसकी वजह से भारी होती है। इसमें एयर ब्रेक का प्रयोग होता है, इसके रख रखाव में ज्यादा खर्चा होता है, इसमें बैठने की क्षमता कम होती है। स्लीपर क्लास में 72 और थर्ड एसी में 64 और ये कोच एलएचबी कोच से 1.7 मीटर छोटे होते हैं। दुर्घटना के बाद इसके डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें डुअल बफर सिस्टम होता है। इसका राइड इंडेक्स 3.25 होता है। आइए अब बात करते हैं एलएचबी कोचेस के बारे में। लिंक हॉफमैन बुश कोच को बनाने की फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है और ये कोच जर्मनी से भारत लाए गए हैं। ये साल 2000 में जर्मनी से भारत लाई गई है। ये स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती है, इस वजह से हल्की होती है। इसमें डिस्क ब्रेक का प्रयोग होता है। अधिकतम अनुमेय गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके रख रखाव में कम खर्चा होता है। इसमें बैठने की क्षमता ज्यादा होती है, स्लीपर क्लास में 80 एंड थर्ड एसी में 72 क्योंकि ये कोच आईसीएफ कोच से 1.7 मीटर ज्यादा लंबे होते हैं। इसका राइट इंडेक्स 2.5 से 2.75 के बीच होता है। एलएचबी कोच को 24 महीने में एक बार आवधिक ओवरऑल पीओएच की आवश्यकता होती है। तो देखा आपने आईसीएफ कोच और एलएचबी कोच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए नेक्स्ट जेन आईआरसीटीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।